छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर अब कुछ ही दिन बाकी शेष बचे हैं, जिसके बाद प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों में सियासत अब तेज हो चुकी है। राजनीतिक पार्टियों में आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी इसी बीच जारी है। इसी क्रम में बीजेपी प्रत्याशियों की संभावित सूची वायरल होने पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का अंदरूनी मामला है, बीजेपी का छत्तीसगढ़ में कुछ बचा ही नहीं है, ना बीजेपी के पास में कोई उम्मीदवार है, ना ही आपस में संतुष्टि हो पाएगी। तो ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन आप इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में कुछ बचा नहीं है, और यही कारण है कि आपस में ना इनके पास कोई कैंडिडेट हैं और ना आपस में कोई इनकी संतुष्टि हो पाई। ये इनकी सोच है और इनका जो शीर्ष नेतृत्व है, जिस प्रकार से जो भाषा वो बोलते हैं उसी भाषा को इनके लोग, इनकी पार्टी अपनाती है। ये इनकी जो छोटी सोच है उस बात का प्रतीक है।